एक लड़का किसी लड़की को देखकर मोहित हो गया। इसे मोहित नहीं होना चाहिए, मोहित होने में बहुत लफड़ा है। सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हुई थी तो नाक कट गई। इसलिए मोहित होने में मान सम्मान और मर्यादा इज्जत की नाक कट जाती है। आपकी तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन मां बाप की भी इज्जत चली जाती है। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। अब यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, मुझे विश्वास है अब ये कभी कहीं मोहित नहीं होंगे। बस छुट्टी मिल गई। मोहित नहीं होना है, ना किसी को मोहित करना है ना मोहित होना है, दोनों से बचना है। बहुत बड़ी बात है। रावण सीता जी को देख करके धनुष यज्ञ में जनकपुर में मोहित हुआ था। रावण की क्या दशा हुई? पृथ्वीराज चौहान संयोगिता में मोहित हुए थे, क्या दशा हुई? इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। कहां मोहित होना चाहिए? बस पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रेम में सम्मोहित हो जाना चाहिए। इधर उधर मन कहीं नहीं भटकना चाहिए, डावाडोल मन ना हो। फिर ऐसे गीत मत गाना कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा कभी नहीं। शराब की तरफ भी आकर्षित मत हो। देखिए हमारे शासन प्रशासन की इतनी कृपा है, गांव गांव में शराब की दुकानें हैं, बड़ी व्यवस्था है, सुविधा से अंग्रेजी शराब और हिंदी शराब, देसी शराब, विदेशी शराब, ठंडी शराब, गर्म शराब, सब तरह की शराब लगभग हर गांव में मिलती है। जितनी पीना चाहो पियो, छक छक कर पियो, लेकिन नहीं, शराब मत पीना। पीना है तो सत्संग की शराब पियो। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसा मीराबाई के ऊपर नशा चढ़ा था, शिबरी के ऊपर नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर नशा चढ़ा था, ऐसा सत्संग भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए तो आपकी जिंदगी धन्य भी बनेगी।